Social class, ethnicity, gender, age. We are going to highlight these topics in this session. What is social class? Social class refers to divisions in society based on economic and social status. People in the same class typically share a similar level of wealth, educational achievements, type of job, and income. अब सोशल क्लास बुनियादी तौर पर क्या है सोशल क्लास रिफ्लेक्ट करती है लोगों के उस डिवीजन को सोसाइटी में जहाँ पर उनकी इनकम या उनका सोशल स्टेटस ऑलमोस्ट एक सा हो खास तौर पर अगर तालीम की बुनियाद पर पैसे की बुनियाद पर अपनी अचीवमेंट्स की बुनियाद पर या नेचर ऑफ जॉब की बुनियाद पर अफराद यकसा लेवल पर मौजूद हों तो वो सोशल क्लास एक ख़ास नुमाइंदे को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे सोशल क्लास के अंदर आम तौर पर क्योंकि ये लार्जर ग्रुप होता है और सिमिलर पोजीशंस भी लोगों की होती हैं तो यहाँ डिफरेंट डायमेंशनस हैं ऑफ़ सोशल क्लासेस जिसके अंदर क्या शामिल है नंबर वन इनकम है वेल्थ है पावर है ऑक्योपेशन है education hair race and ethnicity so every in every society in the world whether the political system of any kind society actually represents various social classes and normally the categories the basic factors behind are commonly known as i have already told you that what type of and which amount of income then how much wealth you are having दैन वट इज़ योर पोजिशन आपके पास पावर क्या है स्टेटस क्या है आपका फिर यह भी हो सकता है कि आपका प्रोफेशन क्या है कई दफ़ा इंसान की एजुकेशन उसको अपर स्टेटस दिला देती है फिर आप किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी एथनिक आइडेंटिटी क्या है बिकॉज एथनीसिटी इज़ अ कॉन्सेप्ट रेफरिंग टू अ शेयर्ड कल्चर एंड अ वे ऑफ लाइफ दिस कैन भी रिफ्लेक्टेड इन लैंग्वेज रिलीजन मटीरियल कल्चर सच एज क्लोदिंग एंड कुजीन, एंड कल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज म्यूजिक एंड आर्ट एथनीसिटी इज ऑफन अ मेजर सोर्स ऑफ सोशल कोहैन एज वेल एज सोशल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिकिटी की इम्पोर्टेंस क्या है लास्ट लाइन में रिफ्लेक्ट हो गई कि एथनिक ग्रुप जो होते हैं जिनकी एक खास वजह से उनका आपस में ताल्लुक बनता है इन ग्रुप्स की वजह से सोशल कोहेजन भी हो सकता है यानी माशरे के अंदर बहुत हद तक यकजहती भी पैदा हो सकती है लेकिन उसके साथ साथ एथनीसिटी की वजह से बाजुकात सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी जन्म लेते हैं क्यों जन्म लेते हैं जब कोई एथनिक ग्रुप ये समझ ले कि उसको कहीं से ख़तरा है या कोई और ग्रुप उनको डोमिनेट करने की कोशिश में लगा हुआ है तो फिर वहाँ पर माशर्ती मसाइल पैदा होते हैं और फिर सोशल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो है वो इख्तियार हो जाती है सेम वी कैन डिस्कस अबाउट जेंडर दैट जेंडर रेफर्स द ऑफ करेक्टरिस्टिक मैन गर्ल्स एंड बॉयज दैट ऑल आर सोशली कंस्ट्रक्टेड दिस इंक्लूड्स नॉर्म्स बिहेवियर्स एंड रोल्स एसोसिएटेड विद बींग वमेन मैन गर्ल और बॉय एज वेल एज रिलेशनशिप विद ईच अदर एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक जेंडर वेरीज फ्राम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड कैन चेंज ओवर टाइम जेंडर के अंदर जब हम बात करते हैं तो जाहिर है सारे ही रिप्रजेंटेटिव इसमें शामिल हो जाते हैं वो लोग भी जिनकी जेंडर स्पेशल होती है वो भी इसका पार्ट होते हैं सिर्फ मैन या वुमेन की हम बात नहीं कर कर रहे बल्कि हम तमाम लोगों के हवाले से बात करना चाहते हैं कि जहाँ पर भी माशरे के अंदर हर तबका जो अपने खास पहचान को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है उन सबका आपस में ताल्लुक कैसा है वहाँ पर अफराद के अंदर क्योंकि माशरे की कंस्ट्रक्शन के अंदर सभी अहम किरदार सर अंजाम देते हैं और सोशल कंस्ट्रक्शन जो है वो तभी मुमकिन होती है अगर उन सबका आपस के अंदर कोई ऐसा रिलेशनशिप हो कोई ऐसा इंटरेक्शन हो जो कि माशरे को स्मूथली ले चले फिर एक और बड़ी इम्पॉटेंट बात है वो है एज स्ट्रटिफिकेसन ये एज स्टर्टिफिकेशन एक नया कॉन्सेप्ट है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि बहुत सारी रियासतें जो ख़ुद को वेलफेयर स्टेट्स का नाम देती हैं जहाँ पर एक ख़ास एज को पहुँचने के बाद जब इंसान कमज़ोर हो जाता है या उसकी इनकम कम हो जाती है वो रियासतें लुक आफ्टर करती हैं लेकिन बहुत सारे निज़ाम ऐसे भी हैं जहाँ अफराद को ख़ुद अपने तौर पर ही अपनी लाइफ को मैनेज करना होता है तो उस तरीके से एज जो है वो भी स्ट्रेटिफिकेशन का एक अहम फैक्टर है जिस पर बहर हाल बात करने की और इस डिबेट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सियासी निज़ाम को पहुँचाने की ज़रूरत है